दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया अब तक का सांस रोक देने वाला पहला टेस्ट मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने इतिहास रचते हुए ठोक डाला शतक। भारतीय टीम ने बनाया बहुत बड़ा स्कोर और फिर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम तो जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में लगा दी विकेटों की झड़ी, चटका डाले 3 विकेट। तो ये देख मोहम्मद शमी भी कहाँ रहने वाले थे पीछे। अपनी खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलते हुए पलट कर रख दिया पूरा मुकाबला। तो हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की सांस रोक देने वाली पूरी हाईलाइट इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत जल्द 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का रोमांच शुरू होने वाला है। इसके पहले ही खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार कर चुका है। बता दें कि पहला प्रैक्टिस टेस्ट मुकाबला भारत टीम के हित में पहले दिन तक तो रहता हुआ नजर आया, लेकिन दोस्तों दूसरे दिन भारत के ऊपर दबाव जब बनने लगा था तब भी हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी की टीम इंडिया की, ये उस तरीके से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने तो चमत्कार कर दिखाया, वो देखकर तो पूरी दुनिया इन दोनों दिग्गजों को सलाम कर रही है। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि भारत और बांग्लादेश के बीच कल जब प्रैक्टिस टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो यहां पर रोहित शर्मा ने टीम के लिए 179 रन बनाए थे तो सरफराज खान ने 80 रनों की पारी खेली थी और रविंद्र जडेजा ने पहले दिन के खेल को समाप्त करने तक 79 रनों पर नाबाद अपनी पारी को छोड़ा था और इसके चलते भारत की टीम 380 रन बनाने में कामयाब रही। अब दूसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो 380 रन से भारत ने आके खेलना शुरू किया। भारत के हाथ में अभी भी 4 विकेट मौजूद थे और रविंद्र जडेजा पर हर कोई अपनी आंखें जमाए बैठा था। इस दौरान रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले ही 5वें ओवर में शाकिब अल हसन ने एक और बड़ी सफलता भारत के खिलाफ ले ली। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल जहाँ 14 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब अक्षर पटेल का विकेट गिर जाने के बाद उतरे जसप्रीत बुमराह ने आते ही बस चौके लगाना शुरू कर दिए। हालांकि उनका ये प्लान 2 चौकों के बाद ही फ्लॉप साबित हुआ। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 14 रन बनाए तो वहीं मोहम्मद शमी ने 8वें नंबर पर उतरकर भारत के लिए 23 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने आज 33 रन चढ़कर पहले तो अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। हालांकि शतक पूरा करते ही वो अपना विकेट खो बैठे और यहां भारतीय टीम ने अपने 10 विकेट गवाए 460 रन बनाकर। अब दोस्तों, टीम इंडिया ने तो पहली पारी में 450 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था और बांग्लादेश की टीम को अब इस आंकड़े को पार करके पहली पारी में लीड हासिल करनी थी। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की टीम भी क्या जानती थी कि इतनी अच्छी शुरुआत के बाद भी आज उनको दिन का खेल समाप्त होने तक ऐसा भी कुछ देखने को पड़ेगा। दरअसल हुआ ये था कि बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने सादनाम इस्लाम के साथ जाकिर हसन उतरे थे। अब दोस्तों, यहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए भारत के खिलाफ 50 रन की साझेदारी कर डाली। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस चिंता में थे कि आखिरकार इन बल्लेबाजों का विकेट गिराया कैसे जाए। लेकिन दोस्तों, तभी रोहित शर्मा ने फैसला किया कि क्यों ना जसप्रीत बुमराह और दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी को लगाया जाए और यही गेंदबाज कुछ कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर साझेदारी और आगे बढ़ पाती, 64 रन पर पहुँच गई। लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ने एक यॉर्कर लेंथ की गेंद पर सबसे पहले बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जाकिर हसन के रूप में दिया। अब यहां हसन 36 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान नजमुल हुसैन संतो, जिनका पता ही नहीं चला कब आए और कब चले गए। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद शमी जब पारी का 25वां ओवर करवाने के लिए आए थे तभी इसी ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने घातक बाउंसर गेंद पर उनको बॉल आउट कर दिया और यहां संतो मात्र 28 रन ही बना पाए। अब दोस्तों, 2 बड़े झटके बांग्लादेश की टीम को लग चुके थे पर अब समय ऐसा आ चुका था कि बांग्लादेश की टीम ने 2 विकेट खोने के बाद अब भी अपने जज्बे को कायम रखा। इस दौरान मोमिनुल हक और सादनाम इस्लाम ने मिलकर साझेदारी को संभाला। अब ये दोनों बल्लेबाज इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे करके 150 रनों के पार ले जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ क्यों कि जसप्रीत बुमराह अब पारी का 27वां ओवर जब करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी ही गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर सादनाम इस्लाम पूरी तरह से बौचक्के हो गए और 70 रन बनाकर खेल रहे इस्लाम अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में मौजूद रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान इस्लाम 70 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, बांग्लादेश की टीम ने 3 विकेट अपने गंवा दिए थे और अभी भी बांग्लादेश की टीम भारत के कंपैरिजन में पहली पारी के हिसाब से देखा जाए तो 333 रन पीछे थी। अब टीम इंडिया पर कोई दबाव तो था नहीं, लेकिन अब उनको जल्द से जल्द बांग्लादेश के विकेट चटकाने थे। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे, मोहम्मद शमी ने भी 1 विकेट ले लिया था, तो अब पारी थी कुलदीप यादव की, जहां कुलदीप यादव ने 32वें ओवर की पहली ही गेंद पर यहां
मोमिनुल हक को अपना शिकार बनाया और वो इस मुकाबले में 19 रन बनाकर ही आउट हुए। अब चार बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम ने गंवाने के बाद ये फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ बांग्लादेश के दो सबसे बड़े बल्लेबाजों मुशफिकुर रहीम और साकिब अल हसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई हमें नजर आने लगी। यहाँ पर भारतीय टीम पर भी अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो जो टीम इंडिया ने स्कोर बनाया है वानखेड़े स्टेडियम पर 460 रन, वो इतना कारगर नहीं रहेगा। अब यहाँ विकेट लेने के लिए फिर से जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका खामियाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आते से ही शाकिब अल हसन, जो कि 34 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में पांचवा झटका बांग्लादेश की टीम को मिला। अब कप्तान जब आउट हो गए तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर मोहम्मद शमी भी पीछे नहीं हटे। जब मोहम्मद शमी ने लिटन दास को एक ही ओवर में 21 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहंदी हसन मिराज, पहली गेंद पर मोहम्मद शमी की आउट हो गए और फिर सौरिफुल इस्लाम भी विकेट मोहम्मद शमी ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहाँ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहाँ बांग्लादेश की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 260 रनों के कुल स्कोर पर ही गवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी बांग्लादेश की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और दो विकेट जो बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए, लेकिन दोस्तों आज दूसरे दिन का मैच समाप्त होने तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और यह है कि शाकिब अल हसन और नाहिद राणा ने भी अपनी पारी को संभाले रखा और यहाँ नाहिद जो कि 19 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं शाकिब ने 42 रनों की पारी अभी तक अपनी टीम के लिए खेली है। और बांग्लादेश की टीम अभी भी भारत के कंपैरिजन में 174 रन पीछे है और अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा यही चाहेंगे कि तीसरे दिन का मुकाबला जब शुरू हो तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से बांग्लादेश के इन दोनों बल्लेबाजों को भी विकेट जल्द से जल्द गिराए, क्योंकि भारत जितनी जल्दी आउट करेगा फिर से भारत बल्लेबाजी पर आएगा और एक बड़ा स्कोर अगर भारत ने बांग्लादेश के आगे रख दिया 500-600 रन का तो टीम इंडिया को फिर हरा पाना मुश्किल ही नहीं बड़ा नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है भारतीय टीम की ऐसी शानदार गेंदबाजी को आज दूसरे दिन देख लेने के बाद, और आप जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी की खतरनाक गेंदबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली T20 सीरीज का हो चुका है आगाज। बस थोड़ी देर में बजने वाला है पहले T20 के रोमांचक घमासान का बिगुल। 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में कदम रखने के लिए तैयार हैं सूर्य कुमार यादव। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच? भारतीय समय अनुसार कितने बजे शुरू होगा महामुकाबला? कैसा होगा पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेशी दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि यह सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो आपको मालूम ही है, वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहाँ तो बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं। इसीलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया आने वाली है। इसके पूरे स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें पहले T20 मुकाबला 14 सितंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 16 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो हाथ करते हुए नजर आने वाले हैं। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा, जैसा हमेशा होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से
सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी इस टी20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले टी20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों टी20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत, सूर्या का